गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स. इन प्रीवियस क्लास वी डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ द एयर, जिसमें हम लोगों ने 4 नंबर 5 नंबर किया था. एयर नीडेड फॉर बॉडी, जिसमें आपको कैंडल और ग्लास का एक्सपेरिमेंट करके बताया गया था. और नंबर 5 एयर एक्सलरेशन, में आपको एक स्ट्रॉ और कलर वाटर का एक्सपेरिमेंट करके हम लोगों ने ये प्रॉपर्टीज समझ ली थी. आज हम देखेंगे नंबर 5 एयर हेल्प्स टू हियर साउंड. एयर हेल्प्स टू हियर साउंड. एयर हमारी हेल्प करता है आवाज सुनने में. वो कैसे, देखो पहले रीड कर लेते हैं. एयर इज नीडेड टू हियर साउंड. When there is a sound, it vibrates in the air around us. The ear sends this vibration and sends a message to the brain. The brain helps us recognize the sound. Yes. अब देखो, इसमें भी आपको एक एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं. हवा में जो आवाजें आती हैं, yes. ये हवा में जो आवाजें हैं, उससे हम क्या कर सकते हैं? साउंड सुनने में हमारी हेल्प होती है. अब देखो, कई बार बहुत दूर तक क्या करते रहते हैं, स्पीकर चलते रहते हैं और हमें अपने घर तक साउंड सुनने देते हैं. वो किसकी वजह से? एयर की वजह से. हवा के साथ वहाँ से जो आवाज़ें आती रहती है, वो वाइब्रेट होके हमारे कानों तक पहुँचती है. हमारे कान के द्वारा ये मैसेज ब्रेन को दिया जाता है और फिर ब्रेन वापस हमें वो साउंड रिकॉग्नाइज करवाता है कि हाँ, ये साउंड या कहीं डीजे चल रहा है, कहीं स्पीकर चल रहा है, या कहीं आरती हो रही है, कहीं अजान हो रहा है. ये सारा वाइब्रेशन से हम लोगों को क्या होता है, एयर में जो वाइब्रेशन होता है साउंड का, ये वाइब्रेशन से हम लोगों को क्या करता है, साउंड सुनने में हमें हेल्प करता है. अब नेक्स्ट है, एयर हैज फोर्स. एयर हैज फोर्स. यस, एयर हैज फोर्स. इफ एनी ऑब्जेक्ट मूव्स विद द डायरेक्शन ऑफ द विंड, इट एड्स टू द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट. बट इफ द ऑब्जेक्ट मूव्स अगेंस्ट द विंड, द एयर रेजिस्ट इट्स मूवमेंट एंड डिक्रीजेस इट्स स्पीड. यस, दिस इज अ फैक्ट. देखो फोर्स दाब लगाना. अब देखो एयर एज फोर्स, उसमें दबाव रहता है. एनी ऑब्जेक्ट मूव्स विथ डायरेक्शन ऑफ विंड, जब हवा के डायरेक्शन में कोई मूव ऑब्जेक्ट मूव होता रहता है, कहीं चलता रहता है, तो क्या रहता है, उसकी स्पीड बहुत तेज रहती है. और वहीं अगर अपोजिट डायरेक्शन में जिस तरह से विंड ब्लो होती है, उसके जस्ट अपोजिट साइड से अगर हम स्पीड में आना चाहते हैं, तो उस वक्त हमारी जो स्पीड रहती है वो क्या हो जाती है, हमारी गति धीमी हो जाती है. जिस गति से हवा के रुख से हम जाएंगे, तो हमारी स्पीड बढ़ती रहेगी. और हवा के अपोजिट दिशा से अगर हम आएंगे, तो हमारी स्पीड में क्या होगा, रुकावट पैदा होती, हमारी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज नहीं होगी. यानी यहाँ तक हम लोगों ने देखा एयर प्रॉपर्टीज ऑफ द एयर. अब हम देखेंगे यूजेस ऑफ द एयर. ये होने के बाद अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. फिर ये नंबर 6 एंड 7 और ये यूजेस ऑफ द एयर हम क्या करेंगे, रीड करेंगे. यस, यूज ऑफ द एयर. एयर इज यूज फॉर ब्रीथिंग. यस, हमने पूरा चैप्टर रीड कर लिया, चैप्टर डिस्कस कर लिया पूरा. उसमें हम लोगों ने ये देखा कि हमारे एयर, हवा हमारे ब्रीथिंग के लिए यूज में आती है. नेक्स्ट, ऑक्सीजन हेल्प्स इन बर्निंग. ये मैं पॉइंट नहीं लिख रही हूँ, क्योंकि ये सारे पॉइंट अपने प्रॉपर्टीज ऑफ द एयर में हो चुके हैं. ऑक्सीजन हेल्प्स इन बर्निंग. हवा में ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन जब तक रहेगा तब तक जलती रहेगी कैंडल, और उसके बाद बुझ जाएगी. ये हमने एक्सपेरिमेंट से देखा था. नेक्स्ट, प्लांट्स नीड नाइट्रोजन फॉर देयर ग्रोथ. प्लांट्स एब्जॉर्ब नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर. प्लांट्स को
बढ़ने के लिए नाइट्रोजन की जरूरत रहती है और वो एनवायरमेंट में से क्या करते हैं, नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करते हैं। एयर इज यूज टू ब्लो अप बलून्स, फुटबॉल, ब्लैडर्स एंड ट्यूब्स ऑफ मोटर कार्स, बाइसिकल्स एंड कार्स। एयर, हवा, हम किस वजह से भरते हैं, बलून, यस, फुटबॉल, फुटबॉल की जो ब्लैडर रहती है, थैली रहती है फुटबॉल वाली, उसमें हम हवा भरने के बाद वो फुटबॉल का रूप लेती है। अब देखो उसके साथ ही मोटर कार्स, कार्स, बाइसिकल्स, इनके अंदर एक ट्यूब रहती है, उसमें जब हम हवा भरेंगे उसके बाद ही वो क्या होता है, ट्यूब बड़ी होकर उसे टायर वगैरह लगाए जाते हैं। नेक्स्ट है वाटर पम्प्स, ड्रॉपर्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिरिंजेस एटसेट्रा वर्क अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ एयर प्रेशर। एयर प्रेशर को वाटर पम्प, जब हम वाटर पम्प को पम्प किया जाता है तब उसमें हवा आती है, तभी वो क्या होता है, पानी पर आता है। ड्रॉपर, ड्रॉपर का भी हम ऐसे ही करते हैं, जब छोटे बच्चों को जब दवा दी जाती है उसके लिए ड्रॉपर आता है, वो ड्रॉपर को जब हम पिंच करते हैं तो क्या होता है, वो प्रेशर से दवा उस ड्रॉपर के अंदर आती है। और सिरिंजेस में भी क्या होती है, हम जब सिरिंज से, इंजेक्शन से या कोई भी, अगर सिरिंज में हमें कुछ केमिकल या कुछ ये केमिकल या दवा वगैरह कुछ लेनी होती है, तब हम क्या करते हैं, सिरिंज को जब पंप करते हैं तब उसके साथ हवा आती है, हवा के साथ हम क्या कर सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं। यानी ये सारा प्रिंसिपल ऑफ एयर प्रेशर पर डिपेंड रहता है। यस, यानी यूजेस ऑफ द एयर कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, नंबर 6, नंबर 7 और यूजेस ऑफ द एयर रीड करेंगे और नेक्स्ट पीरियड में हम मीनिंग्स एंड एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों। यस, नाउ स्टार्ट रीडिंग। एयर हैज़ हियर साउंड, एयर हैज़ फोर्स और यूजेस ऑफ द एयर। आज हमने कंप्लीट डिस्कशन कर लिया था, चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। अब ये रीडिंग करने के बाद नेक्स्ट पीरियड में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, मीनिंग्स एंड एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। नाउ वी स्टार्ट रीडिंग। एयर हेल्प्स टू हियर साउंड्स। Air is needed to hear sounds. When there is a sound, it vibrates in the air around us. The ear senses this vibration and sends a message to the brain. The brain helps us to recognize the sound. Next time, air has force. Air has force if any object moves with the direction of the wind. It adds to the speed of the object, but if the object moves against the wind, the air resists and its movement and decrease its speed. Yes, this is a fact. Now, uses of the air. The air is used for breathing. Next, oxygen helps in burning. Plants need nitrogen for their growth. Plants absorb nitrogen from the air. Fourth, air is used to blow up balloons, football bladders, and the tubes of motor cars, bicycles, and car, etc. Water pumps, droppers, and different kinds of syringes, etc. work according to the principle of air pressure. Yes, chapter read हो चुका है। Next period में हम exercise start करेंगे। तब तक के लिए thank you बच्चों।